ताजबाग के इलाके निजामाबाद की एक गली है जिसमें महकमा अनहार का मशीन मैन अब्दुल हमीद रिहायश पजीर है। अब्दुल हमीद ने ऐसा पंखा बनाया जो बिजली के बजाय गैस पर चलता है। उनका कहना है कि लोड शेडिंग के बायस उन्होंने ऐसा पंखा बनाने का फैसला किया जो बिजली के बगैर चल सके। अब्दुल हमीद ने पहले इस पंखे को मिट्टी के तेल के जरिए चलाया, तहम मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफे के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस पंखे को गैस पर चलाया जाए। उनका कहना है कि ये पंखा 1 किलो LPG में 25 दिन तक काम कर सकता है। ये स्कीम बनाई सी, दो पिस्टन ने ये चलते हैं, एक चलता, ठीक है। एक वैकम थले आता है, एक वैकम उत्ते जाता, जिस लाइन चलता फिर सर्वर जरा बनना शुरू हो जाता। अब्दुल हमीद का कहना है कि वो ऐसे पंखे बनाकर मार्केट में मुतारिफ करवाना चाहते हैं, लेकिन सरमाया ना होने के बायस वो अपने इस मकसद को पूरा नहीं कर सके। वजीर आजम साहब नूं मेहरबानी है कि थोड़ा जिहा गौर करके थोड़ी जी सपोर्ट सानूं कीती जाए, तो असीं इंशाअल्लाह ताला बत्ती दा लोड शेडिंग दा जिहड़ा तोड़ असीं कर देंगे। पाकिस्तान में हुनरमंद अफराद की कमी नहीं, अगर मुतलका हुकूमती इदारे इनकी सरपरस्ती करें तो ना सिर्फ मुल्को कौम का नाम रोशन होगा बल्कि इन अफराद की हौसला अफजाई भी होगी। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ हसन अली, सिटी 42।